रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के लवा गांव में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। घर में किराए पर रह रहे एक सिरफिरे युवक ने देर रात सोते हुए एक ही परिवार के आधा दर्जन लोगों पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए हैं, जिसमें परिवार के मुखिया समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लड़कियों को गंभीर हालत में दून अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि हमलावर की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा। सूचना मिलते ही डीआईजी गढ़वाल पुष्पक ज्योति और हरिद्वार एसएसपी कृष्ण कुमार वीके भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। डीआईजी पुष्पक ज्योति ने बताया कि हत्यारा प्रताप पिछले कई साल से मृतकों के घर में किराए पर रह रहा था, जिसके पास से एक सुसाइड नोट में मिला है। आरोपी प्रताप ने सुसाइड नोट पर लिखा था कि वो परिवार में अपना मालिकाना हक रखना चाहता था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता था, जिसके बाद आरोपी प्रताप ने सबको ठिकाने लगाने की योजना बनाई और सोते समय सिरफिरे ने पूरे परिवार पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। राज सिंह सैनी रहते थे अपने परिवार के साथ। इनके 5 बच्चे हैं और इनकी बड़ी बेटी की शादी होने वाली थी उसके लिए। इनके घर में एक प्रताप ठाकुर नाम का आदमी रहता था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, उसमें ये इंगित किया है कि वो घर का मुखिया बनना चाहता था और वो चाहता था कि सब उसकी बात माने, सब उसकी कहे में रहें और कोई भी उससे बिना पूछे बात ना की जाए। और आज उसने ये भी लिखा, मैं आज जीवन लीला सबकी ख़त्म कर दूंगा और मैं भी मर जाऊंगा। इस उद्देश्य से उसने एक कुल्हाड़ी खरीदी कल रात में और रात में सभी का मर्डर किया है। राज सिंह का, सैनी का मर्डर किया, उसके बेटे का जो नीचे सोया हुआ था, ऊपर जाके उसने उनकी वाइफ उनकी बेटियों को मारा, जिसमें 3 की डेथ हुई है, राज सिंह सैनी की, उसकी वाइफ की बबली की और एक प्रदीप बेटा है उसकी डेथ हो चुकी है। और उसके बाद उसी गड़ासे से उसी कुल्हाड़ी से अपने गर्दन पे भी वार करके चोट करता है और अंदर से कमरा बंद करके अपने बेड पे लेटता है। तो पुलिस ने जाके वो कमरा खुलवाया और उसको फिर हॉस्पिटल भिजवाया है।